कहीं पे किंतु परंतु नहीं है रहा, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं, सरकार में कोई भी काम है कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं, सब अच्छा हो रहा है, कहीं पे कोई किंतु नहीं। 2 मिनट के बयान में 5 बार किंतु परंतु नहीं है कहने वाले मुकेश सहनी फिलहाल बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं। उनके राजनीतिक इतिहास की वजह से ये सवाल उठने लगा है कि क्या वो फिर से पलटी मारने वाले हैं। हालांकि मुकेश सहनी इस बात का खंडन करते हैं, लेकिन किंतु और परंतु के साथ किंतु और परंतु का यह इस्तेमाल बताता है कि मुकेश सहनी को डर सताने लगा है पार्टी के टूटने का, लेकिन खुलकर बोल नहीं सकते, इसलिए हर बार यह कहते नजर आते हैं कि कोई किंतु परंतु नहीं है, सब ठीक है। अपने तरीके से बात तो रखी रहे, और जब तक अगर सब अगर एक नहीं है तो फिर आज सरकार हमारी कैसे चल रही है, तो कहीं पे किंतु परंतु नहीं है। रहा कि हम सरकार के साथ तो मजबूती से हैं, कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं, इस विभाग या सरकार में कोई भी काम है कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं, सब अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा इशू हमारे एनडीए में है, तो एनडीए तो घर की बात है ना, एनडीए एक पार्टी है, एनडीए का मतलब 4 पार्टी है, और उसमें थोड़ा बहुत है, वो सब आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा, बाकी कहीं पे कोई किंतु नहीं। किंतु परंतु के साथ बात करने वाले मुकेश सहनी यह बात तो कहते हैं कि उनकी पार्टी में सब ठीक है, लेकिन उनके ही विधायकों को सुनिए जो ये बार बार कहते हैं कि पार्टी के स्तर पर किसी फैसले के लिए पूछा नहीं जाता। नहीं, जिस तरह से वो बताते हैं कि एनडीए में नहीं सुनी जा रही है, पार्टी में मैं कोई उससे प्लेटफॉर्म पे बात ही नहीं रखता, जो नहीं सुनी जा रही हो सुनी जा रही हो, लेकिन पार्टी के अंदर जो पार्टी सार्वजनिक रूप से एक साथ बैठ कर जो निर्णय लिए जाते हैं, उस तरह के निर्णय नहीं लिए, उससे मैं असंतुष्ट हूँ, क्योंकि पार्टी का हमेशा सार्वजनिक निर्णय होना चाहिए। ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, एक पार्टी है, और पार्टी में सबों की राय मशवरा ली जाती है। इस तरीके से मुकेश सहनी को बाहर नहीं निकलने दिया गया, एयरपोर्ट के कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, आप लोगों का क्या स्टैंड है, क्या आप लोग अपने यूपी नहीं, मैं बिहार में मतलब 2 बार MLC रहा हूँ, अभी विधायक हूँ, यूपी में क्या हो रहा है मैं क्या जानता हूँ भाई। यूपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुआ, मतलब सवाल यहाँ है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यूपी में जो बातें हुई है उनसे बात करिए, जो क्या हुआ नहीं हुआ उन्हीं से बात करिए। मुकेश सहनी के विधायकों की बातों से तो ये साफ होता दिख रहा है कि कई किंतु और परंतु इस पार्टी के अंदर है। 4 विधायकों का कंट्रोल मुकेश सहनी को खोने का डर सताने लगा है, तभी तो पर्दे के पीछे वालों पर आरोप लगा रहे हैं कि कोई खेला कर रहा है। बिहार में कुछ लोग हैं जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, मैं ऐसे साथी को कहूंगा कि पर्दे से बाहर आके बात कीजिए, जो भी लोग हो, और आप आज आपकी पार्टी के ही लोग हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारे पार्टी तो हमारे साथ है, मजबूती से, कोई दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि उसको तोड़ सकता है या उसको खरीद सकता है। हमारे राय से ही तो फर्क नहीं, हमारे पार्टी के सारे लोग हैं, स्वतंत्र हैं, मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि पार्टी के अंदर में रहकर अपने विचार को रखना। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेरे पार्टी के जो भी हमारे माननीय विधायक हैं, जो भी बात रख रहे हैं मजबूती से रख रहे हैं, और हम उस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसी हिसाब से हमारी पार्टी चलेगी, सारे हमारे साथ अच्छा है। और कुछ लोग हमारे पार्टी को तोड़ना चाहेंगे, गुमराह करना चाहेंगे, तो मेरे पार्टी का कोई भी विधायक, माननीय विधायक, कहीं पे कोई जाने वाला नहीं है, कोई भी ताकत नहीं उसको ये कर सकता है, और हमारे पार्टी के सारे लोग हमारे साथ में है। जो लोग को उनको क्लियर संदेश जाता होगा, उस अगर वैसे आदमी जो भी है उनको अगर हैसियत है तो फ्रंट में आ जाए, पर्दे के पीछे से काम ना करे, पर्दे के पीछे अगर रहेंगे तो वो पर्दे में आग लगा देंगे, वो सनफ मतलब मेरा नाम है। मुकेश सहनी खुले तौर पर पर्दे के पीछे के राजनीतिक खिलाड़ी को चुनौती धमकी भरे अंदाज में दे तो रहे हैं, लेकिन इस बयान में भी किंतु और परंतु है, तो क्या ये मान लिया जाए कि मुकेश सहनी की अपने ही पार्टी पर पकड़ कमजोर हो रही है, तभी तो पर्दे के पीछे से खेला होबे का डर सताने लगा है। पटना से उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।